सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। जिस टाइम वो जीवन थे मास्टर जी, उस टाइम मैंने कुछ कर्जा लिया था तो 2 रुपये सैकड़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं बच्चों की पढ़ाई है जी, इतनी महंगाई में तो मेरी ना ज़मीन वगैरह है जी, मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। गैस टीचर थे जी राजौंद जी, कुछ नहीं मिला सर, 3 लाख रुपये मिले थे वो भी 2 साल के बाद में, वो भी मैंने 20 बार तो मैं चंडीगढ़ गई हूँ, वो उतना तो मेरा भाड़ा लग लिया सर, और वो ब्याज भी बढ़ रहा था जिसमें, वो तो मेरे वहाँ भी नहीं हुए। 3 लाख तो मैंने पहले दी थी 2018 में सर, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी सर। मैं ऐसे सोच रही हूँ भाई, जिस टाइम वो मरे नहीं, उनकी 30+ सैलरी थी, या तो 58 साल तक अगर जॉब सिक्योरिटी बोल रही थी, जॉब सिक्योरिटी में तो यही है 58 साल तक वो पैसे दिए जाएं, अगर ना तो फिर कोई नौकरी वगैरह दी जाए। जावा तो किसी सर, उम्मीद का तो पता नहीं, भी तो क्या करेंगे क्या नहीं, अभी तक नहीं कुछ हुआ, 3 साल हो जाएंगे उनको तो, अब उम्मीदें उम्मीद रह रही सर, बहुत मुश्किल से चल रहा है सर। मैं दिहाड़ी कर रही हूँ, हाँ बच्चों के लिए नौकरी की मांग कर रही हूँ सर मैं, ये मेरा ब्लड है जी, मायरा लैब है उससे लिया गया, उसमें लैब वाला लड़का बुलवा था जी, निकाल के ने यहाँ से भी निकाला है जी, कुछ यहाँ से नहीं निकला तो यहाँ से निकाल के जब पूरा लेटर करया जी खून से। इस लेटर में यही भी मेरे को जो सरकारी टीचर तो जॉब पर है सर, जो उनको तो 30+ सैलरी है, अगर वो मिल सके तो वो दे, नहीं तो 50% कुछ तो दे, मेरे बच्चों का कुछ तो होना चाहिए, हम तो सड़कों में बिठा दिए सर इन्होंने, हैं मेरे पास कोई वो नहीं है जी साधन, ज़मीन नहीं है, मतलब घर की कुछ प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल अनाथ जैसे मेरे बच्चे हो रहे हैं, और मैं भी खुद भी बीमार हूँ, मेरी बीमारी पर भी बहुत पैसे लग रहे सर। ये कुछ नहीं मिला सर, 3 लाख रुपए तो मिले थे, और उसकी बीमारी पर बहुत ज़्यादा खर्चा, 2018 में उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी जी पंचकूला 12 सेक्टर में, तो उस टाइम उसका इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, वो आधार हॉस्पिटल में रखा, 3-3.5 लाख तो उस टाइम लग गए सर। फिर उसका कोरोना पॉजिटिव तो थे तो कौन ही, फिर भी कोरोना के दौरान उसकी डेथ हुई थी जी 6 सितंबर 2020 में, तो उस टाइम उसकी बीमारी पर पैसे लग ही रहे थे जी, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, सिर्फ वो 3 लाख ही मिले थे, वो भी 1.5-2 साल के बाद, जिसमें 2 रुपये सैकड़े पर उठा रखे थे मैंने तो बहुत से पैसे, तो वो डबल पूंजी हो गई थी सर उस टाइम में। और राजौन थे जी, JVT टीचर थे जी सर, नौबत तो ये है, मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, भाई +2 में है, जुकर गुड़िया BSc सेकंड में, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी, और जो उस टाइम मैंने लेनदारी कर रखी थी सर, वो भी पैसे मांग रहे हैं, तो मैं मजबूर हूँ सर, दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। हाँ सर, ये लेटर लिखा मैंने, उस टाइम वो खर्चा था सर, वो डबल हो रहा है सर। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, ना ज़मीन है, कुछ नहीं है, और उसका जो खर्चा लग गया था नहीं उसकी बीमारी पर, वो मैंने दे, मैं उनकी कर्जदार हो रही हूँ सर, तो मेरे बच्चों को भी आगे प्रॉब्लम है, उनका पढ़ाई का खर्चा भी मैं बहुत मुश्किल से उठा रही हूँ।